तुम्हारा इतने वर्षों का सपना पूरा हो ही गया। मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए यह तुमने बहुत अच्छी तरह से लिखा है। हमेशा से मेरा यही सपना था। बेली से सताए हुए लोग पता नहीं अपने परिवार के बिना कैसे जी रहे हैं। रोजमर्रा की उनकी जिंदगी खून वसूली मारधाड़ से भरी हुई। ये सब रोज देख देख कर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमें आजादी कभी मिली ही नहीं। इस किताब को पढ़ने के बाद कम से कम कुछ लोग भी अगर बदल जाए मुझे बहुत खुशी होगी। बदलेंगे, अवश्य बदलेंगे। इस तरह बातें ही करते रहोगे या कुछ खाओ पियोगे भी? सुनो निधि। हाँ? देखना कबर्ड में टॉवल रखा हुआ है। ठीक है। मिला क्या? कौन है ये सब? लगता है मैं इन लोगों को जानती हूँ। ये लोग तो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। तुम भी ना, हाई स्कूल के बाद तुम बेलगाम चली गई, भला इन्हें किस तरह से पहचानती तुम? जोर की भूख लगी है, कुछ बना दो ना। देखो तुम उस पागल का इंतजार करते रहोगे ना तो ट्रेन हमारा इंतजार नहीं करेगी। अब चलो। सिर्फ दो मिनट रुको ना। दो मिनट करते तुमने बहुत लेट कर दिया। अब चलो यहाँ से। चलो भी। अरे चलो ना।
चलो रेलवे स्टेशन यहाँ से पास ही है। ए, मैं कितने दिनों से देख रही हूँ, जब भी तुम्हें इस मंदिर का प्रसाद देना होता है तुम उस पागल को ही देते हो। उसमें ऐसी कौन सी खास बात है कि तुम्हें इतना रहम आता है? दिमाग है कि नहीं? पहले नहीं था, उसे देखकर आया है। पागल को देखकर तुम्हें दिमाग आ गया? हमें बचाने वाले का इंतजार करना पड़े तो उसमें क्या गलत है? सच कहूं तो मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। आज जो मैं जिंदगी जी रहा हूं, मेरा ये जीवन उसी का दिया हुआ भीख है, इसी का उसे दंड मिला है। कौन सा दंड? अच्छी अच्छों को मौत आ जाती है लेकिन इस पागल को नहीं आती। तू औरत और बच्चे यहाँ चैन से पूजा तक नहीं कर पाते, कोई इसे किसी पागल खाने में छोड़ाओ। तुमने देखा, तुम उसे इतना ज्यादा प्यार देते हो और लोग उसे गालियाँ देते हैं। जो लोग आज उसे कोस रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, एक समय था उसका सामना होते ही ऐसे भयभीत होते थे जैसे शेर का सामना हो गया। खादी और खाकी दोनों की नींद उड़ गई थी, चैन नहीं था, डे एंड नाइट ड्यू। उजाले में चमकते इस शहर में अपने आप को तुर्रमखा समझने वाले गुंडे भी सिर्फ इसके नाम से कांपने लगते हैं। आज भी कितने लोग इसके नाम के सहारे जी रहे हैं। मतलब वो पुलिस की भाषा में राउडी। उसका नाम क्या है? विश्वराज, विश्वराज उर्फ बेली। बेली? बेली? वो तो तुम्हारा? मेरा जिगरी यार। वो तो कब का मर चुका है, मैंने पेपर में खुद पढ़ा था। निधि याद आया, तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी, हमें चलना चाहिए। अश्वत, ट्रेन मिस हुई तो बस मिल जाएगी। मेरी लिखी किताब यहाँ के लोगों पर है पर उसमें तुम लोगों का कोई जिक्र नहीं। तुम लोग कौन थे, तुम लोग क्या थे, तुम्हारे बीच क्या रिश्ता था, ये बताना ही पड़ेगा। अश्वत प्लीज, अश्वत बताओ। देखो निधि, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो इसलिए बता रहा हूँ, ईश्वर के लिए तुम ये बात किसी और को मत बताना। हम पांच दोस्त थे, कल रात तुमने जिन्हें फोटो में देखा वही। गिरे तो साथ, उठे तो साथ, ऐसे थे हम। मैं यानी अश्वत नारायण भट्ट उर्फ पुजारी। श्रीनिवास उर्फ छोटा चेतन। पसंद आए तो प्यार, नहीं तो चेता। और आज वो इसमें जरा नमक कम है। रफी। पैसा रे पैसा, पूरी दुनिया को चाहिए पैसा। और वो आज क्या दो मैडम, बोटी लिवर गुर्दा ब्रेन मटन चाप। बाबू और कटारी बाबू। भूखे शेर को जंगली जानवर हो या फालतू, क्या फर्क पड़ता है इस वक्त वो। ले लो भाई, ले लो, 15 रुपए में ले लो भाई। हम सब का जो लीडर हुआ करता था वो है बेली। फर्स्ट टाइम जीवन दान देकर छोड़ता है ये बेली, भूल से भी वो दोबारा आग दिखाता है तो मैं उसकी कब्र खोदता हूँ। तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मेरे साथ ही डिसाइड करेंगे। राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है।
तू मेरी सहायता करेगा ना? कल अगर मुझे कुछ हो गया तो तू मेरा छोटा भाई बनकर तू मेरी चिता को आग लगाएगा ना? हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। डिग्री करने वाले आज हम पढ़ाई छोड़कर तुम्हें सही राह दिखाने का वादा करके तुम्हारी जिंदगी का मकसद भी हम लोगों ने बदल दिया। जब हमारे सर पे तलवार थी उस वक्त जिस इंसान ने हमें बचाया, आज हम उस इंसान को नहीं बचा सके। और वक्त का खेल देखो कि आज उसकी मौत हमारी वजह से ही हुई। यहाँ पर एक सयाने को दूसरा सयाना उड़ाएगा तो उसे मेडल मिलेगा, मतलब डॉन। उस डॉन को कोई और मारेगा तो पूरा देश में नाम, मतलब अंडरवर्ल्ड का डॉन। इस नाम के पीछे हमारा भागना सही नहीं है बेली। बेली, इस दुनिया में पैसा कमाने के बहुत रास्ते होते हुए भी भूले भटके हम इस लाइन में आ गया। हमें से यही छोड़कर शराफत के रास्ते जाना चाहिए। सच में बेली, कहीं दूर चले जाते हैं। दूर जाकर हमारा रखवाला चला गया उसके बारे में सोचना छोड़कर हमें आगे क्या करना इसके बारे में सोचो, तभी हमारे बॉस की आत्मा को शांति मिलेगी। और इसके अलावा आज के बाद हम कुछ भी नहीं सोचेंगे, ये बात याद रहे। मैं गांव से क्या सोचकर आया था ये बात छोड़ो। मैंने जिसका नमक खाया है मैं उसी का वफादार रहूंगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी से नमक हरामी कभी नहीं की है। अगर तुम सब मेरा साथ दोगे तो मैं आगे चलूंगा, बाकी तुम लोगों की मर्जी। है हमारी जिंदगी पर, ये काम भी कोई काम है क्या? क्यों कर रहे हैं हम ये पुलिस की नौकरी? सब कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो, या फिर हम सब मिलकर एक होटल खोल लेते हैं। आप अचानक इतना अपसेट क्यों हो रहे हैं सर? और नहीं तो क्या, जब गुंडा मरता है तो वो कैसे मरा, क्यों मरा, उसके आगे पीछे कौन था, ये सब हमें इंक्वायरी करना पड़ता है। ऐसे इंक्वायरी करना पड़ता है जैसे वो गुंडा कोई महात्मा था। एमपी मरा, उसके पीछे शोला चंद्रू मरा। सच तो ये है कि वो दोनों गुंडे थे, फिर भी हमें इंक्वायरी करना पड़ रहा है, ये है हमारा काम। सर, शोभा चंद्र का मर्डर किया है एमपी के राइट हैंड बेली ने, ऐसे न्यूज मिले हैं सर। बेली हो या बिली हो, वो कहाँ है ये पता लगाकर उसे घसीटते हुए लाकर काल कोठरी में डालकर उसकी हड्डी पसली तोड़कर खाड़ी में ना फेंक दिया तो मेरा नाम नहीं। यहाँ जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है वो खाए हुए नमक के साथ भी ना इंसाफी करेगा, तू भी उसी में से है क्या? मेरी इंसानियत को तुम जानते नहीं, जिसने हाथ थामा उसे भूलता नहीं, जिसका हाथ थामता उसे छोड़ता नहीं, खाई हुई थाली में कभी छेद नहीं करता। ये सबक मुझे अपनी माँ से मिला है। नमक का हमेशा हक अदा किया इस बेली ने, 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 बेली ने। हमने कई बार उन्हें समझाया, उनसे दोस्ती मत करो, उनका साथ छोड़ दो, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। जिस पर भरोसा किया उन्होंने ही मारा। कितने लोग थे वो? 6 लोगों में से एक था शेर सिंह। भाई की चिता जलाने से पहले उसे मौत के घाट उतार दिया। मोहम्मद उर्फ नेक मोहम्मद एक महाचोर है। नो पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी रहती है वहां पर आरटीओ टोचन गाड़ियों को भिजवाकर उन गाड़ियों को उठाकर अपने ही गोदाम में छुपा कर रखता है, और इन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल वो अपने किए हुए मर्डर, रॉबरी और किडनैपिंग में करता है। उसके किए हुए गुनाह से ओनर अंदर और वो बाहर दुश्मनों का वह सांप की तरह इंतजार करता है। एमएलए मंजया, उसे जल मंजया भी कहते हैं। सुबह 8 बजते हैं, महासाधु संत की तरह पूजा। 9 बजे खाना, 10 से 12 असेंबली में मीटिंग, 2 से 5 फिर वही औरतों के साथ मटर गश्ती, 7 बजे दामिनी के घर जाना और वहां पर डांसिंग, 9 बजे नंदिनी के घर में बेड पर प्यार की फाइटिंग,
और रात को 1 बजे अपने पूरे पंटरों के साथ घर जाता है। जब तक वो घर पहुंचता है तब तक सारे पंटर उसके साथ रहते हैं। टकला और मंजा, एक आवारा को मोहल्ले वालों ने बची हुई जूठन खिलाकर उसे पाला पोसा है। उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। गोटी खेलने वाले सारे लड़कों को यही कर्ज देता है और कर्ज ना चुकाने पर उसे अपना चेला बना लेता है। वो लड़के उसके इशारे पर किसी को भी मार डालते हैं। के उर्फ कोया, कोया नाक से बात करता है भाई, उसे उठा लिया भाई। 1 किलोमीटर दूर से भी पुलिस को सूंघ लेता है वो। ए, पुलिस वाले आ रहे हैं। करोड़ों में खेलता है वो, मारकाट से दूर रहता है, सेटलमेंट में बाहर, शहर के सारे अंडरवर्ल्ड के लोगों को जानता है, इसीलिए सभी लोग उससे डरते हैं। जॉनी, पूरा शहर मेरा है। मुंबई से फरार होकर ये कर्नाटक में सेटल हुआ। उसके सारे लड़के ऊंची आवाज सुनते ही पागल कुत्ते बन जाते हैं। जब कुत्ता पागल हो जाता है तो अपने मालिक को ही काट लेता है। उसके ग्रुप में गोविंदा नाम का लड़का था, उसने अपने मालिक को ही काट खाया और खुद ही बॉस बन गया। पालन पोषण के लिए हम लोगों ने मिलकर एक संस्था बनाई है, उनके लिए कुछ डोनेशन देंगे सर। उसके लिए तुम क्यों सड़क पर भटक रही हो? उस काम के लिए कई चैरिटेबल ट्रस्ट बने हैं, उनसे जाकर कहो, वो लोग हेल्प करेंगे। वैसे तो ट्रस्ट ही ऐसे बेसहारों की आड़ लेकर अपनी तिजोरी भरती है सर, इसीलिए हम लोगों को ये सब करना पड़ रहा है। सर अगर आपकी मर्जी है तो हेल्प कीजिए, अदरवाइज थैंक यू। हेलो, एक्सक्यूज मी। यस सर। Thank you, sir. God bless you. Excuse me, sir. अनाथ बच्चों को पढ़ाने के लिए हम Thank you, sir. Thank you very much. भैया भैया भैया, दरवाजा खोलो। कौन है भैया? कौन भैया? इसकी तो कौन है रे तू? भैया वो बाइक लाया हूँ, कल सुबह आना। भैया वो मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए बहुत जरूरी था इसलिए ले गया। बाइक को शेड में लगा देना। इतनी देर क्यों लगा रहे? थक गया हूँ ना भैया। कौन है रे? तेरी मौत। एक पुरानी कहावत है, सांप का काटा कभी जिंदा नहीं बचता। डसने के लिए आए हुए सांप को डराने के लिए उसकी पूंछ काट के छोड़ दोगे तो 12 साल के बाद भी वो अपना बदला लेगा। मैं किसी को दूसरा मौका देता नहीं, अपना कदम वापस लेता नहीं, फिक्स किया हुआ मुहूर्त मिस करता नहीं। वो इसलिए क्योंकि शैतानों की किस्मत का कॉन्ट्रैक्ट इस बेली के पास है। Bendy, 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 Raja. Bendy, 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 Raja.
कोई भी इतनी आसानी से नहीं आ सकता। कौन है मैं जानती हूँ, अब छोड़ दीजिए। भैया स्नेहा, तुम इस तरह रोड पर भटकती रहोगी तो मेरी इज्जत का क्या होगा? डोंट वरी भैया, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आपकी इज्जत पर आ जाए। मैं आपकी बहन हूँ ये कहकर अगर डोनेशन मांगूंगी तो कोई भी दिल से डोनेशन नहीं देगा, अगर दे भी दिया तो आपके डर से देगा। इसीलिए मैं आपका नाम कहीं नहीं लेना चाहती। और इतना ही नहीं, मान लो किसी से मैंने अगर प्यार किया, उसे तो कभी नहीं बता सकती कि आपकी बहन हूँ। हे भगवान, ना ना लेकिन ना। क्यों? अगर वो आपके डर से यहाँ से बिना शादी किए भाग गया तो? कल विद्यानगर में गणेश उत्सव है, मैं वहाँ का चीफ गेस्ट हूँ। फंक्शन स्टार्ट होने के बाद मैं वहाँ पहुँचूंगा। जैसे ही मैं वहाँ आऊंगा तब फूलों की माला और जय जयकार का इंतजाम करवा देना, समझ गए ना? अब सब लोग जाओ। हेलो ए जी, क्या हुआ तुझे? मैं अभी तो तेरे यहाँ से आया हूँ। आप यहाँ से जल्दी चले गए इसीलिए मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। बस इतनी सी बात है सोना, सुबह का नाश्ता मैं तेरे यहीं करूँगा, ठीक है? अभी आ जाइए ना। अरे बेवकूफ, एक बार कहने से तुझे समझ में नहीं आया क्या? मैं इस वक्त अपने घर के सामने खड़ा हूँ, अभी कैसे आ सकता हूँ? लाइट गई, फोन रख। ये तो और भी अच्छा है, आ जाइए ना। ए, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। ए, कौन है तुम लोग? अरे क्यों मार रहे हो मुझे? छोड़ो, अरे ए, बचाओ। तो शर्म आती है तुम जैसे ऑफिसरों पर? एक दिन में दो दो खून हुए हैं, एक एमएलए का और दूसरा मोहम्मद का। तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? हम जब बोलते हैं तो तुम लोग कहते हो कि नेता लोगों का पावर सिर्फ 5 साल का होता है जबकि पुलिस का लाइफ टाइम का। ए, जब भी हम लोग कुछ कहते हैं ओके सर, आई विल डू इट सर, यस सर, यही कहते हो? हा हा हा, जब देखो नौटंकी करके बेवकूफ बनाते हैं ये पुलिस वाले। सुनो कमिश्नर, मैं तुम्हें 24 घंटे का और वक्त देता हूँ। खूनी कौन है और उसने ये खून क्यों किया, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट के साथ उस गुनहगार को हमारी आंखों के सामने पेश करो, समझे ना? या नहीं समझ में आया? 24 घंटे सिंसियरली काम करने के बावजूद हमें अनाप शनाप सुनना पड़ता है। इस खून के पीछे किसका हाथ है, इसकी इंक्वायरी सीरियसली करो तुम। सर, जिस मोहम्मद का खून हुआ वो हमारे वांटेड लिस्ट में था। दूसरा मंजैया, अय्याशी के लिए उसने कई रखेलों को पाल कर रखा था सर, वो कोई दूध का धुला नहीं था। डोंट वरी सर, ट्रिगर दबाने पे धमाका कहाँ होगा आप देखते जाइए सर। यानी बेली की इस हालत की जिम्मेदार पुलिस और सिस्टम थे? पुलिस वालों ने बेली को देखा ही कहाँ है। व्हाट, बेली को किसी ने नहीं देखा? ट्रिगर दबाकर धमाका करने वाले परेशान होकर एकदम साइलेंट हो गए। तो बेली की इस हालत का बचाओ! निधि तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, मेरी बात मानो, सवाल जवाब का समय नहीं है, तुम जाओ भी। निधि तुम जाओ यहाँ से, हम बाद में बात करेंगे, तुम जाओ भी। निधि तुम्हारे लिए यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, तुम जाओ, मेरी बात मानो। निधि मुझे माफ करो निधि, निधि मैंने कहा था यहाँ मत रुको, तुम जाओ, प्लीज यहाँ दोबारा मत आना, जाओ यहाँ से, जाओ निधि। पुजारी, मेरी लिखी हुई ये किताब उन 4 शैतानों के बीच डर के जीने वाले इंसानों के बारे में है। मैंने उन शैतानों के बारे में तो नहीं लिखा, लेकिन अब मुझे उनके बारे में लिखना होगा, उनके बारे में जानना होगा, जैसे अश्वत्थ लोगों की जिंदगी के साथ खेलकर आज सब छोड़कर पुजारी बनकर बैठा है। इसी की तरह बाकियों से भी मिलना होगा। Oh!
उससे वहाँ क्या पूछताछ कर रहे हो? उसे उठाकर यहाँ पुलिस स्टेशन में लाओ, वो यहाँ आकर मुंह खोल देगा। बोलिए माँ जी, क्या काम है? वो मेरा बेटा, मेरे बेटे को क्या हो गया है? ए कृष्णा। आया सर। ये किसके बारे में पूछ रही है बता? बेली के बारे में सर, ये उसकी माँ है। क्यों, तुम्हारा बेटा मर गया ये तुम्हें नहीं मालूम क्या? पेपर में भी छपा था ना, अब यहाँ क्या लेने आई हो? हाँ नहीं नहीं सर, ऐसा मत कहिए सर, मेरा बेटा मरा नहीं है, वो जिंदा है। मैं सच कह रही हूँ सर, वो जिंदा है। भगवान के लिए उसे ढूंढ लीजिए, उसे ढूंढ दीजिए। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, उसे ढूंढ दीजिए, ढूंढ दीजिए। सर छोड़ो, हटो यहाँ से। सुनो, कितनी बार कहा कि तुम्हारा बेटा मर चुका है, तुम्हें पागलपन का दौरा पड़ा है क्या? ए, इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। एक माँ की ममता क्या होती है मैं समझ सकता हूँ बहन जी, यहाँ जो लोग हैं वो इतने बेरहम नहीं हैं। जानबूझकर अपने दिल पर पत्थर रखा हुआ है। एक माँ का विश्वास ये कह रहा है कि उसका बेटा जिंदा है, तो वो जरूर जिंदा होगा बहन जी। आप ढूंढिए, वो जरूर मिलेगा। आप एक काम कीजिए, दूसरे थाने में जाकर हमारे बड़े साहब से बात कीजिए, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। इसे लेकर मैं क्या करूँ? अरे मैडम जरा देखिए, हाथ पोछने के लिए, मुंह पोछने के लिए नया नया डिजाइन का है। फ्रेंडशिप डिजाइन है, लव डिजाइन है, एनिमल डिजाइन है। ठीक है भैया, इसमें से कोई एक दे दो। मैडम आप दिखने में बिल्कुल फॉरेनर जैसी लगती है। ये लो मैडम, विदेशी फ्लैग वाला पकड़ो मैडम। फ्रेंडशिप वाला कोई है? क्यों, वो वाला नहीं है? क्या हुआ, फ्रेंडशिप की कोई कीमत नहीं है, या फिर अपने फ्रेंड से बिछड़ गए हो? हाँ, तुम्हारा क्लोज फ्रेंड मिला था, पुजारी। माफ करना मैडम, मैं किसी पुजारी को नहीं जानता। ले लो बहन, ले लो ₹15 में, ले लो बहन, ले लो मैडम। रफी, उन्हें छोड़ो। बेली, बेली, बेली। मैं नहीं जानता मैडम। ठीक है, मुझे एक लव प्रिंट वाला हैंकरचीफ दे दो। मुझे एक। अरे भाई, हाँ। एक ही ले लो क्या? हाँ। ये लो, दो ले लो। ठीक है, थैंक यू सर। कपड़े पे छपा हुआ लव प्रिंट नहीं, बेली की जिंदगी का लव प्रिंट। पुलिस की हिस्ट्री से, गुंडों के लिस्ट से, वोटर आईडी से बेली कब का मर चुका है मैडम। अगर आज वो जिंदा है ये बात किसी को पता चल गई तो हम में से कोई जिंदा नहीं रह पाएगा मैडम। चैन से जीने के लिए मैडम, और इस जिंदगी को एटलीस्ट शांतिपूर्वक गुजारने के लिए हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलते मैडम। आपने बताया था पुजारी की फ्रेंड है, हमारे बेले की जिंदगी बर्बाद होने में उसका प्यार ही जिम्मेदार है। जैसे सभी समझते हैं, ना ही हम लोग कोई गुंडे हैं और ना ही गुंडे बनने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। हम तो यहाँ जीने के लिए आए थे मैडम। जिंदगी में कितने भी तूफान आए तभी हम अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखते थे मैडम। हो गया मैडम, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। बरसात है ना, इसलिए गाड़ी ठंडी हो गई होगी। डोंट वरी मैडम, आप आराम से हमारी कार में बैठ सकती हो। किक मार के इन्हें स्टार्ट करके जोर जोर से एक्सीलेटर दबा के फिर सेफली तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे मैडम। लगता है ये मैडम समझ नहीं पा रही है, ये गाड़ी बटन दबाने से स्टार्ट नहीं होगी, इसे किक मारना ही पड़ेगा मैडम। जरा गाड़ी रोकना, गाड़ी रिवर्स करो। भागो,
हाय, घबराओ मत। गाड़ी में बैठो। गाड़ी? अरे खराब हुई गाड़ी को यहाँ से कौन उठा कर ले जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आगे बैठ जाइए। हे, यहाँ कहाँ बैठी? अरे बैठने देना यार, एडजस्ट कर ले। ठीक है आ जाओ। इतनी रात को कहाँ से आ रही है? अनाथ आश्रम में एक फंक्शन था, उसे खत्म करके आते आते बहुत देर हो गई। मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। और कोई काम नहीं है क्या ये? अरे नहीं नहीं नहीं, आईएएस पढ़ रही हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? स्नेहा। स्नेहा, वाह 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 वाह। मेरा नाम पूछने से पहले मैं बता देता हूँ, तुम्हारे कान तक आवाज आई तो सुन लो, नहीं तो जाने दो। मेरा नाम है श्रीनिवास अलियास सेना। नाइस नेम। कहाँ रहती है मैम? रहती कहाँ? नंबर 472 सेकंड लेन 7th रोड सांता क्रूज मुंबई 40054। बाबू समझ गया ना? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मैं बताता हूँ ना, ये है बाबू। हेलो। और ये है पुजारी अलियास अश्वता। हेलो। हेलो। और इनका नाम है वासु। वन सेकंड, श्रीनिवास अलियास लॉर्ड श्रीनिवास, लॉर्ड ऑफ फेकुचन। वासु क्या? वासुराज, तुम काम क्या करते हो? वसुराज जी, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, काम क्या करते हो? बास्क। बास्क मतलब? BASK। स्पेलिंग मुझे भी पता है, विप्रो, इंफोसिस, PwC, ये सब तो सुना है, लेकिन बास्क नहीं सुना। What is it? ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। अच्छी कंपनी है मतलब बेस्ट कंपनी? हाँ, फुल फॉर्म बताना। आगे गाड़ी रुको। तुम्हारा घर कहाँ है? आगे से राइट लेना है। राइट लेना, यहीं से लेना। राइट 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 राइट, यहाँ से लेफ्ट। ओके, स्टॉप 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 स्टॉप, बस रुक दो, घर आ गया, उतर जाइए। थैंक यू। थैंक्स वशु। हे वशु 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 वशु, बस का मतलब? पहले जल्दी घर जाकर अपने कपड़े चेंज करो, सर्दी लग जाएगी, चल ना यार। स्वीट। हे वशु वशु। यो बच्चों, आज सिर्फ खाली हाथ ही आए हो, कुछ लेके नहीं आए? सुनो मालिक, भले ही आप जनता का काम नहीं करते हो, लेकिन आप अय्याशी करने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। तूने मेरी कमजोरियां सच्ची पकड़ रखी है। आपके लिए रेडी है, चलिए आइए। हाँ चलो चलो चलो। हाँ माँ, मैं बोल रहा हूँ बेली। मेरे लाल, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ माँ, घर में सब कैसे हैं? सभी लोग अच्छे हैं। अच्छा माँ, मैंने पैसे भेजे थे वो मिले? तेरे भेजे हुए पैसे मुझे मिल गए, लेकिन बेटा अगर तू आता तो अच्छा होता, तुझे देखने को आंखें तरस गई हैं। मैं आ रहा हूँ माँ, दो चार दिनों में ही आ रहा हूँ। अच्छा, अपना ख्याल रखना। तू भी अपना ख्याल रखना और फोन करना। मैं अपना ख्याल रखूंगा। अच्छा फोन रखूं? क्या बात है, लगता है सुबह सुबह कहीं जाने की तैयारी हो रही है। हाँ। जरा बताओगे कहाँ जा रहे हो? किसी की एंगेजमेंट में। किसकी? अबे तेरी दादी की। क्या बात कर रहा है यार, मेरी दादी माँ सालों पहले दादा के साथ स्वर्ग सिधार गई। मुझे पता नहीं क्यों शक हो रहा है कि तू उस चिल्लर डिब्बे वाली से ही मिलने जा रहा है। मुझे और कोई काम नहीं है क्या? वो चिल्लर डब्बे वाली से मिलना भी तो एक काम ही है ना। वो कैसे? और नहीं तो क्या, भले ही बाद में हम पूरी तरह से डूब जाए, फिर भी कोई भी लड़की किसी लड़के को एक बार सॉरी कह दे तो बस, फिर उसके पीछे थकने तक घूमते घूमते नशा नशा, और उसे जीतने का नशा। ए क्या कर सुनो, बेली अपने माँ से मिलने के लिए गांव जा रहा है। तो तुम क्यों तैयार हो गए भाई? मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ यार। अच्छा ऐसा है, तो फिर मैं भी तैयार हो जाता हूँ। उधर ही कोई अच्छी लड़की देख कर यार की कश्ती में। बेले बेले बेले, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे? कोया कोया बहुत दिनों बाद अपने बच्चों से मिलने के लिए गाँव में आया है, सही मुहूर्त निकाल के उसके। राजा, राजा! Thank you.
पाता बिल्ली? मुझसे नहीं होगा यार। अरे क्यों? उसके घर वाले उस हैंडीकैप बच्चे को आगे किस तरह संभालेंगे यही सोचकर दिल बहुत शिट। देखो बिल्ली, सेंटिमेंट में आकर उसे यूं ही छोड़ना सही नहीं है। नहीं, उस बच्ची को देखकर मुझे। सुन ले, उस हरामी की वजह से कितने घर बर्बाद हो चुके हैं, सब सड़क पे आ चुके हैं। उसका अपना भी एक फैमिली है, ये सोचे बिना उसने इतना जुल्म ठाया है, उसे क्यों ही छोड़ दे क्या? मिलते ही ऐसे लोगों को खत्म कर देना चाहिए, वरना वो हमें खत्म कर देंगे। अरे भाई जल्दी आओ, चलो। हाँ, रुक जाओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात। नहीं था, उसका भाई था। तो फिर क्या किया? तेरे भाई जैसा ही तेरा भी बुरा हाल होगा, ये धमकी देकर आए हैं उसे। अरे क्यों अपना दिमाग खराब कर रहा है, चलना यार। भाई, उस केके के भाई का खून हो गया। उस कमी ने डफली नहीं किया होगा। मैं क्या पागल हूँ जो तेरे भाई को मारूंगा? ए जॉनी, तूने मेरे भाई को मारा है ना? ए मुंह में जो भी आ रहा है वो बकमात, ये काम डफली नहीं किया होगा, जाके पूछ उससे। लगता है ये काम डफली ने किया यार। जानी भी तो कर सकता है ना। बेली ने मारा भाई। बेली ने? ये सब क्या चल रहा है हा? जब दो खून हुआ था तभी मैंने कहा था, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। असेंबली में जूते चप्पल चल रहे हैं। कौन है ये बेली? भाई, अपन लोगों में से किसी ने उसे नहीं देखा है। गुमनाम दुनिया के बादशाह बेली के हाथों केके के भाई को मौत की सजा। पता नहीं वो कौन है, नया नया पैदा हुआ है हम सबको सरदर्द देने के लिए। आप में से किसी ने उसे नहीं देखा है? वो क्या कोई सुभाष चंद्र बोस है या कोई बहुत बड़ा आदमी है? अरे वो किसी गटर का एक कीड़ा है। हाँ, एक कीड़े ने आप सबका दिमाग खराब करके रखा है। मतलब वो कितना बड़ा शातिर खिलाड़ी होगा, है ना? ऐसों को तो शूट करके फेंक देना चाहिए। मेरे हाथ में अगर आपके जैसा कानून होता तो उसे देखते ही शूट कर देती। मुझे एक IAS बन जाने दीजिए, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। एनीवेज, अपना मूड मत ऑफ कीजिए, चलिए खाना खाते हैं। इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? कीड़े मकोड़े इसी वक्त बाहर निकलते हैं स्नेहा, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। सागर, I'm on the way। भैया, जवानी में जो करना चाहिए था वो अभी तक नहीं किया हमने। डिपार्टमेंट ने जिसे नहीं देखा वही गुमनाम नोटोरियस क्रिमिनल किलर। शाबाश, डायरेक्ट हमारे घर आकर हमें पहचान कर। प्रदीप जी, आप हमारी इतनी तारीफ कर रहे हैं ये सुनकर बड़ा ताज्जुब हो रहा है। बदबू से, सिर्फ बदबू से ही पहचान जाता हूं कि क्रिमिनल कौन है। लास्ट चांस दे रहा हूं, वो भी अपनी तरफ से, अपने सारे गुनाहों को कबूल करके सरेंडर। मैं तुम्हारी जेल की सूखी रोटी खाकर बड़ा नहीं हुआ हूं। चांदी, चांदी की थाली में खाकर बड़ा हुआ ये बेली। देखिए सर, जब मुझे लगेगा मैंने कोई गलती की है तब आप ही की बंदूक अपनी कनपट्टी पर लगाऊंगा, आपको उसे चलाने का मौका भी नहीं दूंगा। सबूत के साथ फाइल तैयार करके वारंट के साथ आइए, खुद हाजिर हो जाऊंगा। सबूत ढूंढ निकालूंगा, नहीं मिला तो पैदा करूंगा, उसके बाद तुझे। इंस्पेक्टर, हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हिंदी ना बोली जाती, संस्कृति और सभ्यता का खून ना होता हो। गरीबी में पलने वालों की कमी नहीं है, बिना रिश्वत लिए काम करने वाला कोई अधिकारी नहीं, बिना गलती का कोई इंसान नहीं जिसमें मैं भी शामिल हूँ, लेकिन मेरी गलतियों का कोई गवाह नहीं है। तो क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? मैं खुला चैलेंज करता हूँ, इतने बड़े शहर में एक आदमी भी अगर कह दे कि वो मेरे खिलाफ गवाही देने को तैयार है तो मैं मान लूंगा। छह घाट, सात घाट, छोटा घाट, बड़े से बड़ा घाट, 77 घाटों में जो तेरा नाम लेकर जीते हैं, जो मेरे पिता से सौगात में मिला है, उस पिता को युगो युगो तक प्रणाम। युगो युगो तक प्रणाम। नमस्ते मिनिस्टर साहब। कौन है? इस बार का टेंडर MP को ही मिलना चाहिए। तुम बोल कौन रहे हो?
बेली। समझ गए ना? समझ गया। भूलना मत, गलती से भी नहीं। थैंक यू। ओह नमस्ते सर। नमस्ते, ये लीजिए। आपके एहसानों को हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। आप जैसे फरिश्ते हैं तभी यह अनाथ आश्रम चल रहा है। नहीं नहीं, मैं उतना बड़ा इंसान नहीं, मुझसे भी बड़े बड़े दयावान इस शहर में, तो मैं चलता हूँ। ठीक है। अच्छा अब इसे रिपीट करो। तुम लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है? मैं भी आती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, अभी जो यहाँ आए थे वो? हाँ, वो विश्वराज जी हैं। डोनेशन के तौर पर 3 लाख रुपए देकर गए। वो बहुत भले इंसान है, बहुत ही दयालु। थैंक यू मैम। गाड़ी क्यों रोक दी? अरे वो चिल्लर डब्बे वाली फॉलो करती हुई आ रही है, जा उसके साथ बात कर गया। तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? मैंने पहले ही कहा था ये प्यार व्यार लफड़े वाला केस है, चुपचाप जाके बात करके आ जा। और हाँ, काम तमाम करके अबे अरे मतलब बात चीत यार। लो भाई वो आ भी गए। हाय। क्या हुआ? अरे तुम इस तरह से नाराज क्यों हो रहे हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या क्या बात करनी है बताइए। वो बात मैं इन लोगों के सामने नहीं कर सकती। मैंने पहले ही कहा था ना ये प्यार का मामला है, कहीं दूर ले जाकर बात करो इससे। हमारे सामने बात करने से शर्म आ रही होगी इसे। ए, एक काम कर, तू जा इसके साथ। चलो ना। अरे सुनो। रुक जाओ। तुम भी ना। ये सवाल तुम स्माइल देकर भी पूछ सकते हो ना, कितना अच्छा रहेगा। बास का मतलब क्या है? अरे तेरी तो इतनी हाँ? इतनी सी बात के लिए तुम मुझे यहाँ ले आई? रिलैक्स रिलैक्स। कैसे रिलैक्स हो जाऊँ? क्या है, मैं बात कर रही हूँ और तुम नाराज हो रहे हो? हाँ हेलो, तुमसे मिलने के लिए मैं आधा लीटर पेट्रोल खर्च करके आई हूँ, समझे? किस गधे ने आने के लिए कहा था? तुम्हारी कंपनी का नाम तो गूगल में भी नहीं है। इन 4 दोस्तों के साथ बैठकर हंसने के सिवाय बताओ तुम और क्या करते हो? हाँ तुम थोड़ा ज्यादा ही कर रही हो। प्यार करने वालों के चेहरे पर कभी प्यार भरी मुस्कान देखी है? तुम्हें पता भी है वो फीलिंग कैसी होती है? एक बार मेरी मुस्कान के साथ अपनी हंसी जोड़ दो। हाँ, लाल बाग की सारी कलियाँ फूल बनकर खिल जाएंगी। हाँ, हाँ, हाँ। क्या हुआ, कुछ भेजे में नहीं घुसा? कुछ समझ नहीं आया? सीनियर बनकर सीरियसली कह रही हूँ मैं तुमसे। होल्ड होल्ड होल्ड। अरे ये क्या बात है यार, ये लड़की मुझे फॉलो करती हुई आकर लड़कों की तरह बोल्ड होकर बात कर रही है मुझसे, ये सोच रहे हो? ऐसा सोचोगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेरे दिल में है उसे फेस टू फेस कहना मेरी आदत है। मुझे तुम्हारा कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I really love you। हेलो हेलो, वाह, पहली मुलाकात के दूसरे ही दिन मुझे I love you कह रही हो। मानना पड़ेगा तुम्हें। मैं भी सिंसियर और सीरियस होकर कहता हूँ, ये मेरा स्टाइल नहीं है। तुमने अभी कहा हम दोनों की हंसी से लालबाग की सारी कलियां फूल बनकर खिल जाएंगी, ये तुम्हारे बचकाने भेजे की उपज है। तुम एक काम करो, अपने माँ बाप से कहो कि तुम्हारी शादी करवा दे, अपने आप ठीक हो जाओगी। पता है पेड़ पौधे भी प्यार के गीत गुनगुनाते हैं, तो फिर बाहर का खिल जाना गलत नहीं है? बाहरों में जितनी सच्चाई है उतनी ही सच्चाई मेरे प्यार में भी है। देखो खिले हैं फूल जो इन बहारों में, तुम्हारा प्यार भी कितना सच्चा है ये मैं नहीं जानती। ये प्रीति प्यार सच झूठ इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। अच्छा तुम एक काम करो, किसी शायर को पकड़ लो, तुम्हारे शेर और कविताओं को एक बढ़िया रूप दे देगा वो। अब सूरज डूबने वाला है, तुम अपने घर जाओ। घर में नहीं जाऊंगी, तुम्हारे दिल में जाऊंगी। उस दिन तो वो उसके प्यार को ठुकरा कर खरी खोटी सुनाकर चला आया, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में भी प्यार का अंकुर फूट कर पलता गया। दिन रात वो उसके पीछे पागलों जैसी पड़ गई। हमने भी उससे पूछा तुम उससे क्यों इतना प्यार करती हो, उसने जवाब दिया उसकी अच्छाई मुझे भा गई। वशु, मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करती हूँ, अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगे तो मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देती हूँ,
मेरी जिंदगी का फैसला तुम्हारे हाथ में है। बेली, बुरा मत मानना, एक बात बोलता हूँ, वो लड़की तुझे हद से ज्यादा प्यार करती है, तू भी उसे प्यार कर ले, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम दूसरों को चाहें उसकी जगह, जो हमें चाहते हैं उन्हें ही हम जी जान से चाहें, तो उसमें गलत क्या है? तेरा हाथ थाम कर तेरे साथ जिंदगी गुजारने वाली लड़की से शादी करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। कब तक हम सब अकेले रहेंगे? आखिर हमको भी तो अपना घर बसाना है। देख, लड़की बहुत ही अच्छी है, उससे शादी कर लेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जरा सोच कर देख ले बेली, उस दिन की बात उसे कहीं ना कहीं तो सही लगी। उसके बाद उन दोनों में इतना प्यार हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पा रहे थे। क्या बात है, आज त्रिमूर्ति के दर्शन कैसे हो रहे हैं? सच्चाई जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। खोल के बताओगे? आज तारीख क्या है ये पता है? December 31st है। हाँ, कल से नया साल शुरू। December 31st के बाद नया साल तो आता ही है। 2 तारीख को अनाउंस होने वाले बड़े बड़े टेंडर हमें ही मिलने चाहिए। देखो यार, पहले वो सब MP के हाथों में रहता था, अब वो नहीं है। इनकेस उनके लोग अगर आ गए तो ऐसा वो कौन आने वाला है? बेली, कौन है वो चूहे की औलाद? अगर वो चूहा मेरे हाथ लग गया ना तो क्या करोगे? वो यहाँ आया था क्या? फोन किया था। उसका फोन आते ही आप उससे डर गए क्या? या फिर इस बार भी सारे टेंडर MP के लोगों को ही मिलने चाहिए, ऐसी धमकी दी क्या? देखो जनाब, तुम लोग राजनेता हो, देश को चलाते हो, लेकिन हम लोग देश को चलाने वालों को चलाते हैं। तुम्हें पता है तुम लोग हमारी वजह से इलेक्शन जीतते हो। ठीक है, तो फिर अब मुझे क्या करना है? टेंडर मुझे और KK को ही मिलने चाहिए। क्या, फिर मेरा क्या? काम संभालो। देखो यार, तुम दोनों मुझे जितने प्यारे हो उतना ही प्यारा जॉनी भी है। तीनों बैठकर सोचो, तीनों मिलकर कोई एक सही फैसला ले लो। और हाँ, तुम लोगों के जैसा बेली भी है। देखो यार, हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? वो टेंडर तुम और जॉनी ले लो, उसके बदले में बेली को खत्म करने में साथ दो। ठीक है, हम में से बेली को देखा किसने है? मेरे एक लड़के ने बाइक पर उसे जाते हुए देखा है। हाँ भाई, ये देखो, ये निशान उसी ने दिए हैं। तुम लोगों के साथ मेरे लड़के भी रहेंगे। लेकिन वो रहता कहाँ है, ये किसे पता है? उस MP के घर में। वो कोई मुर्गी का बच्चा है क्या? दुनिया में जितने भी गुंडे हैं औरत के चक्कर में ही मरते हैं, औरत के चक्कर में ही अंदर होते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। इसीलिए वो भी किसी लड़की को पटाकर किसी नई जगह ले जाते हुए डिस्को पब या किसी पार्क में हमारे लोगों को जरूर मिलेगा। किसी तरह उसे मारने के लिए हम पूरा शहर छान मारें तो वो हमसे बच नहीं पाएगा। ठीक है, देखते हैं। सुनो, जल्द से जल्द ढूंढना शुरू करो, ठीक है? बेली अपने प्यार से मिलने जा रहा है और हम लोग कोई पूजा करने जा रहा हो उसके बीच में कोई अड़ंगा डालता है क्या? अरे थोड़े बहुत भगवान को हम भी खुश कर लेंगे ना। ठीक है, लेकिन कोई फालतू बात नहीं करेगा। बेली, तू पहले हमें प्यार के चक्कर से दूर रखता था, लेकिन आज हमें अपने आप से ही दूर कर रहा है यार। रोमांस यार। ठीक है ठीक है, हमें भी कोई ना कोई मुर्गी मिलेगी, तब हमारा भी वक्त आएगा, ऐसा करेंगे। इधर है वो, अभी तक दिखाई नहीं पड़ा। कौन बॉस? अरे हमारा बाबू यार। अच्छा, वो तो गिफ्ट लेने गया यार। किसके लिए यार? उसके दोस्त के लिए। ऐसा क्या? तो फिर फोन करके जल्दी बता दे, गिफ्ट में हम अपना भी नाम लिखवा देते हैं। ये इतना ही क्यों, फोटो भी भेज दो। Thank you.
हैप्पी न्यू ईयर। थैंक्स भैया, सेम टू यू। तो फिर क्या है आज का स्पेशल? स्पेशल ये है कि मैं आपको आज आपके जीजू से मिलवाने वाली हूँ। मतलब मैं जिससे प्यार करती हूँ और जिससे शादी करना चाहती हूँ उस इंसान से आपको मिलवाने जा रही हूँ। वाओ, मुबारक हो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एट व्हाट टाइम? शाम को घर में डिनर पर। ओके, आई विल बी देयर। भैया थैंक्स, बाय। इन दोनों को क्या रिश्ता है? नेहा, हाँ, वंस अगेन ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू भैया। बोल बाबू। बेली, स्नेहा कौन है जानता है? भैया बुद्धा पार्क पता है ना, उसी के गेट के पास सभी खड़े हैं भाई। सीधा गेट क्रॉस करके आगे निकल जाओ भाई, फिर सबको घेर लेंगे। बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा। हैप्पी न्यू ईयर, आई लव यू। हे वशु, आज तुम्हारी इस उदासी की वजह? हाँ, ऐसी भी प्रदीप कुमार तुम्हारा भाई है क्या? तो ये है तुम्हारा प्रॉब्लम, तुम भी उनसे डरते हो क्या? हाँ, मैं प्रदीप कुमार की बहन हूँ, ये बात हमेशा से छिपाती आई हूँ, फिर भी पता चल ही जाता है। इसीलिए मैं उनके बारे में किसी को नहीं बताती। But you don't worry, मैंने भैया को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है। क्या बताया? यही बताया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कि तुम्हारा नाम वशुराज है और तुम बास कंपनी में काम करते हो। हर महीने कम से कम 20,000 से 25,000 कमा लेते हो। मुझे अच्छे से संभाल लोगे और मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश रहूंगी। यही सब। तुम मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। मेरे साथ खुश रहने के ख्वाब छोड़ दो स्नेहा। मैंने आज तक किसी को धोखे में नहीं रखा। और तुम्हें बास का मतलब जानना है ना? जैसा तुम सोचती हो वैसी कोई सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है। हफ्ता वसूली करने का और सुपारी लेकर खून करने वाला एक काम है। मेरा नाम वसुराज है, लेकिन लोग मुझे जिस नाम से जानते हैं वो है बेली। प्यार किसी से होगा और शादी किसी और से होगी, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जिससे मैंने प्यार किया उससे शादी करूं, जिससे शादी करूं उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारूं, ऐसा सोचा था। सुनो, अपने सारे गुनाहों को कबूल करके खुद को पुलिस के हवाले कर दो, तो शायद तुम्हारी सजा भी कम हो जाएगी। और मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। तुम्हारे बाहर आने के बाद जिंदगी जीने के बहुत सारे रास्ते हैं, हम सुकून के साथ आराम से जिंदगी बिताएंगे। स्नेहा, पुलिस के आगे अगर सरेंडर हुआ तो सजा कम नहीं होगी, डायरेक्ट एनकाउंटर हो जाएगा। जितना तुम सोचती हो उतना जीना आसान नहीं है। महान लोगों ने हमें जीने के लिए 3 राहों पर चलने को कहा है। गांधी जी ने कहा है, कोई एक चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे करो, चोरी मत करो, खून मत करो। बड़े बड़े संतों ने यही कहा है, लालच मत करो, लालच ही संकट की जड़ है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। लेकिन आज उनको मानता कौन है? आज इंसान को जीने के लिए इन 3 रास्तों पर चलना होगा। सर कटा के जियो, सर काट के जियो, या फिर सर झुका के जियो। तुम तीसरे वालों में से सर झुका के जीने वाले, लेकिन मैं सर कटवा के जीऊंगा, वो भी नहीं तो सर काट डालूंगा, और अगर ये भी नहीं हो पाया तो खुदकुशी कर लूंगा। इस धरती से बोझ भी कम हो जाएगा और जनसंख्या भी कम हो जाएगी। इस जमाने में जो डर डर के जीता है उसे उसका साया भी डराता है, ये बात तो सारी दुनिया जानती है। और तुम हो कि मुझे इस बात से उल्टा पाठ पढ़ा रही। मैंने भी कोशिश की थी कि अपना सर झुका कर लोगों के सामने इंसानियत से जीऊं, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। भूख, प्यास, गरीबी, ना पढ़ाई लिखाई, ना रोजगार का ठिकाना। इसीलिए मैंने लोगों के सर काटे, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो कब, कहां और कौन किस तरह मेरा सर कलम कर देता मुझे पता भी नहीं चलता। तुम्हारा भाई खुद मेरा इंतजार कर रहा है, एक मौका मिलने की देरी है भून डालेगा वो मुझे। इसलिए मेरी बात मानो स्नेहा, मेरा सर नहीं बचने वाला है। सब कुछ भूल जाओ, तुम खुश रहोगी स्नेहा। नहीं स्नेहा, मेरी बात तो सुनो। स्नेहा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो।
उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। उसे ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट किया, उसके बाद क्या हुआ? जी वो अरे अरे चलो 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 यहाँ से। अरे अरे जाओ ना मैडम, बेकार में ऑपरेशन करियो, जाओ जाओ यहाँ से, चलो 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 जल्दी चलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ, जो लापता हुआ वो तुम्हारा कोई लगता है? सुनो, इस शहर में रोज सैकड़ों लोग लापता होते हैं, लेकिन यहाँ किसी का पता नहीं चलता है। ये पोस्टर यहाँ पर लगाना मना है, चलो जाओ यहाँ से। अरे निकलो, चलो जाओ जाओ। तो मैडम बोटी लीवर गुर्दा भेजा चॉप्स। हाँ, जानवर की जान लेना पाप है ना? अगर पाप पुण्य की बातें करते रहेंगे तो हमारा धंधा कैसे चल पाएगा मैडम? चलो इसे तो खाने के लिए मारते हैं, पर इंसान को तो नहीं खाया जाता, फिर क्यों मारते हैं? अरे
इंसान का गोश्त कौन खाता है मैडम? इंसान की जान लेंगे तो ऊपर वाला हमें कभी माफ नहीं करेगा मैडम। फिर तुम्हें कैसे माफ कर दिया बेटा? गरम गरम खाना लाई हूँ, जल्दी से खा ले, ठीक है? मैं आई। फ्रेंड्स के बिना खाना खा रहे हो? शुक्रिया, आई एम प्योर वेज। देखा ना, तुम्हें भूख लगे इससे पहले ही तुम्हारी माँ को तुम्हारी भूख का पता चल गया। उसी को शायद माँ की ममता, अपनापन, फीलिंग, इमोशंस कहते हैं। तुम्हारी तरह बेली की भी माँ होती तो कितना अच्छा होता। चलो मैं सीधा मुद्दे पर आती हूँ। पुजारी, बाबू, वो दोनों मुझसे मिले। पुजारी मेरा क्लासमेट है, उसने मुझे सब कुछ बताया। अरे हथियार उठाने वाला रो रहा है, बहुत ताज्जुब हो रहा है। क्या मैडम, हथियार उठाने वाले के अंदर इंसानियत नहीं होती क्या? आखिर मैं भी तो एक इंसान हूं ना, मरते दम तक साथ रहेंगे, यही सबने सोचा था, लेकिन अचानक पता नहीं मौत के दरवाजे के पास जाकर लौट आए। बेली को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद क्या हुआ था? उसने कहा था कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन आज वही हम सबको छोड़कर सबसे पहले जा रहा है। सब एक एक करके एक दिन चले जाएंगे, पहले भाई और अब बेली, उसके बाद मैं, तू, ये बोल, हम सब। उस दिन अगर हम सब अलग अलग हो जाते तो आज ये नौबत हमारे साथ आती ही नहीं। आगे ऐसी नौबत हमारे साथ भी हो सकती है। नहीं यार, बिल्कुल नहीं, हम सब ये छोड़कर आज ही कहीं दूर चले जाएंगे यार। अगर हम लोग भी उसके नजर में आ गए तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। बेली जल्दी ठीक हो जाए, भगवान से प्रार्थना करो। दूर दूर रहना ही ठीक रहेगा। बेली की माँ को ये खबर पहुंचा देते हैं। काउंटर पे जाके भर दीजिए। पैसा? बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगी, मैं आ जाऊंगी बेटा, मैं आ जाऊंगी। बाय
अभी तक ये भी पता नहीं चला कि वो जिंदा है कि मर गया। यहाँ पर फुल सिक्योरिटी है भाई। आई एम सॉरी, पेशेंट की हालत बहुत ही नाजुक है। उसके सर पर चोट लगने से उसकी नसें पूरी तरह से डैमेज हो गई हैं। वो जिंदा बच गया यही नसीब है, बट उसका जिंदा रहना भी कोई मतलब का नहीं। उसकी याददाश्त तो पूरी तरह से जा चुकी है। लाख कोशिशों के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आएगा। आगे वो जो कुछ भी करेगा उसे वो भी याद नहीं रहेगा। हाँ, वैसे उसकी याददाश्त वापस नहीं आएगी ऐसी बात नहीं है। कभी उसके सर पर दूसरी चोट लग जाए या फिर उसके कानों में ऊंची आवाज सुनाई दे तो याददाश्त वापस आने की उम्मीद है। लेकिन बदकिस्मती से वो याददाश्त चंद मिनटों के लिए या फिर चंद सेकंड के लिए रहेगी। उसके बाद वो फिर से वैसा का वैसा ही हो जाएगा। जब कभी चोट या प्रेशर से उसकी याददाश्त लौट आएगी तो वो मर भी सकता है या फिर याददाश्त के साथ जिंदा भी रह सकता है। डॉक्टर साहब, शॉक ट्रीटमेंट से उसकी याददाश्त वापस आ सकती है क्या? लेकिन ये इलाज महंगा होगा। उसके बाद हम कामयाब हो जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी। थैंक यू डॉक्टर। एक बात और, बेली के कंडीशन के बारे में किसी को पता ना चले। श्योर सर, उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर अपनी कस्टडी में लेकर स्पेशल सेल में रखकर रखवाली के लिए दो पुलिस, देखभाल के लिए दो नर्स, एक डॉक्टर, साथ में उसका ट्रीटमेंट, फिर हर महीना खाने पीने के साथ हॉस्पिटल का पेमेंट, सब मिलाकर गवर्नमेंट का हर महीने कम से कम 50-60 हज़ार रुपए खर्च होंगे। उन्हीं पैसों को हम किसी अनाथालय में देकर बच्चों की दो वक्त की रोटी का इंतजाम करेंगे, तो वहां से कोई गांधी बनकर निकलेगा तो कोई गौतम बुद्ध बनकर निकलेगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? एनकाउंटर ही सही रास्ता है सर। व्हाट? यस सर, आपस की रंजिश में गुंडों ने उसे मार गिराया, ऐसा हम पेपर में छपवा देंगे सर। ऐसे लोगों की मौत ऐसी ही होती है सर। एनकाउंटर के बाद फाइल को क्लोज कर देंगे सर। हाँ स्नेहा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भैया, मुझे बेली को एक बार देखना है। मुझे वहां ले चलिए भैया, प्लीज भैया, प्लीज भैया। तू अभी पूरी तरह टूट चुकी है बहना। अगर तू पोस्टमार्टम के बाद बॉडी देखेगी तो तू सहन नहीं कर पाएगी। प्लीज भैया, प्लीज भैया, मेरी बात भैया, प्लीज। ना स्नेहा, प्लीज भैया, जाओ। उसके सर पर चोट लगने से उसकी नसें पूरी तरह से डैमेज हो गई हैं। वो जिंदा बच गया यही नसीब है। उसका जिंदा रहना भी कोई मतलब का नहीं। आपका बेटा है। मेरा बेटा मरा नहीं है। अगर अचानक उसकी मौत हो भी गई है तो उसकी लाश मुझे सौंप दीजिए। मेरा बेटा मेरे लिए कभी नहीं मरेगा, वो जिंदा रहेगा। जिस बात में आकर एसपी साहब ने उसे छोड़ दिया, तुझे ये जिंदगी जीवन दान दे रहा हूँ। कहीं और जाकर तू अपनी जिंदगी आराम से जी ले और ये गुंडागर्दी हमेशा के लिए छोड़ दे। इतना सब होने के बाद भी उसकी माँ को ये विश्वास नहीं हुआ कि वो मर गया। ये वही तो है जो आपने कहा, प्यार, मोहब्बत, इंसानियत। विश्वराज और बेली किस गांव का है? आखिर वो इस जगह कैसे पहुंचा? वो अपने आप नहीं आया था मैडम, हम ही उसे लेकर आए थे। वो
घाट मालेश्वर के पास एक छोटे से गांव से है जिसका नाम है माधवन गांव। उसकी माँ के दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। उसके पिता तो बचपन में ही चल बसे थे। बेली की बहन को पोलियो हुआ था, वो हैंडीकैप थी। उसका परिवार बहुत गरीब है। गाय का दूध बेचकर उसकी माँ बड़ी मुश्किल से दोनों बच्चों को पाल रही थी। दिन रात एक करके दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा रही थी। जहाँ जहाँ वो दूध देने जाती वहाँ वो चांदी की थाली देखती और मन ही मन सोचती कि एक दिन मेरे बच्चे को भी मैं चांदी की थाली में खिलाऊंगी। और वो अपने बच्चे को चांदी की थाली में खिलाने लगी और अपना सपना पूरा होते देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। बस उसी वक्त से गाँव के सारे लोग उसे बेली बेली करके पुकारने लगे। तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, मैं बहुत जल्द नौकरी ढूंढ लूंगा। तुम दोनों को बहुत खुश रखूंगा, बहुत खुश। माँ? हाँ बेटा? जल्दी आओ ना, लेट हो रहा है। माँ ठीक है, कहाँ जा रहा है? मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। ठीक है, जीते रहो, इंटरव्यू में सफल हो। अच्छा माँ, बाय गुड़िया। जल्दी आना। ठीक है माँ। गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। लेकिन क्या है ना, इतना ही काफी नहीं होगा विश्वराज। अगर ये जॉब तुम्हें चाहिए तो तुम्हें 3 लाख रुपए देने होंगे। ये लोग सीधे सीधे सौदेबाजी कर रहे हैं, ये सोचकर टेंशन मत लो, यहाँ ऐसा ही चलता है। सर मैं बहुत गरीब हूँ सर, मेरी माँ घर घर दूध बेच के। यू मे गो नाउ, नेक्स्ट। यहाँ पर सिर्फ एक ही पोस्ट खाली है, वो भी टेम्पररी। उसके लिए 2 लाख रुपए फिक्स किए गए हैं, जो हमें पहले देगा काम उसको मिल जाएगा। देखो बेटा, यहाँ पहले पैसा और फिर काम। तुम पैसे दे दो, साथ में अपॉइंटमेंट लेटर ले जाओ। गवर्नमेंट की नौकरी का मतलब भगवान के यहाँ नौकरी। भगवान को दक्षिणा दोगे तभी वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे। देखा ना मैडम, वक्त हमारा साथ कहाँ छोड़ रहा था। एमपी एक डील कर रहा था, वो डील के बारे में जानने के लिए हम तमिलनाडु के पलार में गए थे। ये बात पता नहीं कैसे ऑपोजिशन वालों को पता चल गई और उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और वो डील कैंसिल हो गई। पुलिस वाले हमें फॉलो करते हुए आए। भाई को हमने फोन लगाया तो भाई ने बोला कि कुछ देर के लिए मामला जब तक ठंडा नहीं होता तुम लोग अंडरग्राउंड हो जाओ, और इसीलिए हम नजदीक के किसी गाँव में छुपने का फैसला करते हैं। जैसा कि भाई ने कहा, हम उस गाँव में जाकर छुप जाते हैं। ये क्या कर रहा है? चल बेटा जल्दी। तुम्हारे अंदर इंसान ही नहीं है क्या? एक टिकट देना। टिकट खत्म हो गया, कुछ नहीं है, चल जाओ। अरे और टिकट चाहिए। बालकनी 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 बालकनी, कितना चाहिए बोलो, 200 रुपए ले आओ। ये लो दो बालकनी बालकनी। मेरी बात सुनो, वहाँ इतने लोग लाइन में खड़े हैं, उन सबको हटाकर इतने सारे टिकट तुमने क्या? हे हे मिस्टर, वहाँ मैं खड़ा था, तुम मुझे धक्का मारकर सारे टिकट्स लेकर चले गए। तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है क्या? चल मैं सर ये बोलो। मैं वहाँ टिकट लेने के लिए शराफत से लाइन में खड़ा हुआ था तो उस ब्लैकर ने मुझे धक्का मारा। अरे तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, सर काउंटर से सारे टिकट ले गया। जाओ भाई, मुझे और भी बहुत सारे काम है, जाओ अपना काम करो। सर आप पुलिस हैं, उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, क्यों भेजा खा रहे हो मेरा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तेरे को बोला था ना यहाँ से जाने के लिए। आप अपने आप को समझते क्या है, एक तो आप काला बाजारी करते हैं, ऊपर से खत्म। चुपचाप इधर से वट ले, दोबारा कभी यहाँ पर नजर आया ना तो उसी जगह पर जिंदा गाड़ दूंगा, याद रखना।
आ गया बेटा। बेली, ये चेहरे पर जख्म कैसा है? कुछ नहीं, इंटरव्यू से लौट रहा था तो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। कहीं और चोट तो नहीं लगी? नहीं मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, मैंने खाना बनाया, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना परोसती हूँ। ए, जो हमारे घर में दूध देने आती है उसी का बेटा है ना तू? तूने ही सिनेमा हॉल में झगड़ा किया था ना, तुझे क्या जरूरत थी ये बता? वो टिकट ब्लैक में बेचे या व्हाइट में बेचे उससे तुझे क्या? तुम्हें चार जूते पड़े और तुम्हारी बेइज्जती भी हुई। अगर किसी से झगड़ा करना है तो हम उससे जीत सकते हैं या नहीं यही देख कर उससे झगड़ा करना चाहिए, समझे कि नहीं? इसे कहते हैं मर्दानगी। अरे तूने मार भी खाई और साथ में घर की इज्जत भी नीलाम कर दी। ए, सच में तू मर्द है क्या? कल जो दिया था उसे पेट नहीं भरा क्या तेरा? जो तूने मुझे कल दिया था उसे सूद समेत लौटाने आया हूँ आज। तो फिर एक काम कर चूहे, आज ना मैं तुझे पेट भर के सब देता हूँ, वो सब एक साथ लेके कल आ जा। अबे कटर की औलाद, तेरी तरह मैं मिट्टी के या एल्यूमिनियम के टूटे फूटे बर्तन में खाकर बड़ा नहीं हुआ, मैं चांदी के बर्तन में खाकर बड़ा हुआ। विश्वराज, माँ और अड़ोस पड़ोस के लोग तुम्हें प्यार से कहते हैं बेली। माँ दूध बेचकर दिन काट रही है, घर में कपाहिस बहन और तू एक पढ़ा लिखा डिग्री होल्डर। पढ़ लिख कर भी यहाँ नौकरी नहीं मिली, मिल गई तो वो भी 3 से 4 हजार रुपए वाली। उस पैसे से तू अपनी बहन का इलाज करवाएगा या फिर घर चलाएगा?
या फिर उस बेचारे की किसी अच्छी जगह पर शादी करवाएगा। काम के चक्कर में कहीं से लोन लो, लोन का फिर ब्याज भरो, ब्याज नहीं तो ब्याज का ब्याज भरो, नहीं भर पाए तो घर बार को बेच दो। किस्मत साथ देती नहीं, शराफत हमसे छूटती नहीं। जिन्हें देश को चलाना चाहिए वही आज देश को बेच रहे हैं। यहाँ तुम्हें कैसे जीना चाहिए तुम खुद नहीं जानते। यहाँ जो अपने आप को बचाता है वही जीता है। घर की जिम्मेदारी उठाता बेटा, बहन की सेवा करता भाई। जरा सोच ले, जितनी जिम्मेदारियां उठाता है क्या उतनी वैल्यू मिलती है तुझे? नहीं मिलती। पैसा दोस्त, पैसा, दुनिया को सिर्फ पैसा चाहिए। तू अपना गांव छोड़कर हमारे साथ हमारे रास्ते पर चलता बन, तुझे हम एक सही रास्ता बताएंगे। जिसके पास दौलत है इज्जत यहाँ उसी की होती है। सोचना है तो सोच ले, कल सुबह हमें जवाब दे देना। जिन्हें देश को चलाना चाहिए वही आज देश को बेच रहे हैं। यहाँ तुम्हें कैसे जीना चाहिए तुम खुद नहीं जानते। माँ दूध बेचकर दिन काट रही है, घर में कपाहिस बहन और तू एक पढ़ा लिखा डिग्री होल्डर। पैसा दोस्त, पैसा, दुनिया को सिर्फ पैसा चाहिए। कहाँ जा रहे हो बेली? तुमने तो कुछ बताया ही नहीं, अचानक ये बाहर जाने का फैसला कब किया? अरे हाँ, मैं रात को ही बताने वाला था पर भूल गया। मेरा एक फ्रेंड है बैंगलोर में, कल उसका फोन आया था, वहाँ मेरे लिए एक नौकरी है, उसी सिलसिले में जा रहा हूँ। बेटा बेली, तू हम सबको ऐसे अकेला छोड़कर इतनी दूर चला जाएगा बेटा? इतनी फिक्र क्यों कर रही हो माँ? तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, वहाँ पहुँचते ही किस तरह का काम है वो अब तुम रजनी आंटी के यहाँ जाती हो ना, वहाँ फोन करके बता दूंगा, ठीक है? मुझे आशीर्वाद दो। कुछ भी करने से पहले दिमाग चलाना चाहिए, नहीं तो ये तो किसे लेकर आया? बहुत अच्छा है, और काम का भी है, आपके काम का है इसलिए इसे यहां ले आया। रख ले इसे। गांव छोड़कर जो भी यहां आता है उसके लिए सिर्फ दो ही जगह इस शहर में। एक जगह है मैजिस्ट्रेट और दूसरी सब्जी मंडी जहां लोग सब्जी बेचते हैं। तू पढ़ा लिखा है इसलिए तुझे यहाँ लेकर आए, हिसाब किताब सब देख लेना तू। उस दिन उसे हम कौन हैं, उसे क्या काम करना है, उसे कैसे करना है, सब कुछ पता चल गया और वो उसके लिए मान भी गया। वक्त के साथ साथ एमपीजी भी हम पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा करने लगे। मैं ही करूंगा ये कहकर वो आगे बढ़ता गया। एमपीजी या हम कुछ भी कहें वो तसल्ली नहीं मिलती थी उसे, क्योंकि पार्लर का पल्ली गैंग को जब तक वो मारेगा नहीं उसे चैन नहीं मिलता। पलनी पार्लर में बैठकर वो एमपी को भी नचाता था और आखिरकार वो वक्त आ ही गया। बेली ने एमपी की जगह ले ली और उस वक्त टेररिज्म के लफड़े बहुत थे इसलिए हर जगह नाकाबंदी रहती थी और चेकिंग भी बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए बेली ने पहले से ही एक आइडिया बना लिया था। बेटा सामने पुलिस है, देखा? गाड़ी साइड में लगा, साइड में लगा। स्वामी नमस्कार। स्वामी नमस्कार, घर जा रहे हो? जी स्वामी, निकाल दे। ठीक है जाओ, खोल दो। आखिरकार उन लोगों को हमने टपकाई दिया। हम सभी जानते थे कि हमने जो किया वो गलत है, पर क्या करें, ऊपर वाला हमारे गुनाहों को माफ करे। क्या करें मैडम, ये पाप हमें करना ही पड़ा। घाट से लौटते समय बेली ने अपनी माँ से मिलने की इच्छा जताई और वो मिलने के लिए रुका, लेकिन ऊपर वाले ने हमें माफ कहाँ किया था।
उसने अपने तरीके से हमें सजा दी। रिवर्स ले। भाई को धोखे से मारा मैडम, धोखे से मारा भाई को। मैडम आज जुम्मा का दिन है, मुझे नमाज के लिए जाना होगा। आप थोड़ी देर के लिए यहीं बैठिए और मेरा इंतजार कीजिए, मैं नमाज पढ़कर आता हूँ मैडम। ऐसा कौन है जो इतना बड़ा अन्नदान कर रहा है? वहीं जाती हूँ, बड़ी जोर की भूख लगी है। आप जरा और डालेंगे। हाँ ये लो, अब चलो बाटो बाटो, आइए आइए। अरे हटिए ना। आओ 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 जल्दी आओ। अरे जल्दी किसी को भेजो, आदमी बहुत ज्यादा है, भीड़ बढ़ती जा रही है। जरा हटिए ना प्लीज। हेलो एक्सक्यूज मी। हाँ क्या? ये खाना तुमने बनाया है? हाँ जी हाँ, मैं ही हमेशा बनाता हूँ। बहुत ही टेस्टी है। कितना लेते हो? किसके लिए? खाना बनाने के लिए। कितने लोग आएंगे, कितना बड़ा कैसा फंक्शन है ये बताइएगा या मैं बताऊँ? बहुत बड़ा, बहुत से लोग आएंगे। काहे का फंक्शन? हाँ खुशियों का मिलन। खुशियाँ? किस बात की खुशियाँ? जो सालों पहले मर गया था वो मरा नहीं है, जिंदा है। इसलिए तुम समझे नहीं, कोई एक है जो मरा नहीं है पर दुनिया को लगता है कि वो मर चुका है। जैसे तुम्हारा दोस्त लौट आए तो तुम मीठे पकवान बनाओगे ना? नहीं मैम साहब, बहुत बिजी हूँ। हेलो जरा एक मिनट, जो जिंदा है उसका नाम नहीं पूछोगे? बेली, बेली। नहीं मैम साहब, मैं 4-6 दिन बहुत बिजी हूँ, आप किसी और को ढूंढ लीजिए। अरे राम लखन, अरे देखो तार में नमक ठीक से पड़ा है कि नहीं, सारा दिन कांटों रखा बैठे रहते हो, देखो। कब तक छुपोगे मुझसे? जो कर सकते हो कर लो, मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, इतनी आसानी से तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। तुम लोग चाहो तो अपने चेहरे बदल सकते हो पर अपनी फितरत नहीं, शराफत का मुखौटा पहने हो, पर उसे उतरने में ज्यादा वक्त नहीं है। तुम तो मिल गए हो, बेले भी एक दिन जरूर मिल जाएगा।
सबको मेरा नमस्कार। आज का ये प्रोग्राम हम लोगों ने किस लिए रखा है ये आप सभी लोग जानते हैं। अनाथ बच्चों की मदद करते हुए उन सबको पढ़ा लिखा कर आज का ये प्रोग्राम हम लोगों ने किस लिए रखा है, दिन रात एक करते हुए इन बच्चों को कुछ बनाने के लिए अपना सारा समय देकर इतनी छोटी सी उम्र में पूरे कर्नाटक राज्य की पहली IAS ऑफिसर कुमारी स्नेहा जी माइक पर आकर दो चार शब्द कहें, ऐसे में उनसे विनती करती हूँ। सबको मेरा नमस्ते। यहाँ जितने भी बच्चे हैं कोई अनाथ नहीं है, जानते हो क्यों? जरा अपने आसपास नजर डालो, तुम लोगों के साथ कितने लोग हैं? इन सब के होते हुए आखिर तुम लोग अनाथ कैसे हुए? तुम लोगों के साथ मैं भी हूँ। इस अनाथ शब्द को अपने मन से निकाल फेंको, अपने देश की भलाई के लिए कुछ करने की सोचो, एक योद्धा बनो। तुम सभी लोग इस देश के इज्जतदार नागरिक बनो। इस संसार में हर इंसान को सही ढंग से जीने के लिए हमारे देश के महापुरुषों ने कई राहें दिखलाई हैं, और वो क्या है मैं तुम्हें आज बताती हूँ। एक गाल में मारा तो दूसरा गाल दिखाओ, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा था। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, ऐसा विवेकानंद जी ने कहा है। लालच बर्बादी का पहला कदम है, ये भगवान बुद्ध जी ने कहा है। लेकिन आज उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जैसे गांधी जी ने कहा था, कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, उसके मायने ही बदल गए हैं। चोरी करने के लिए खून और खून को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लिया जा रहा है। हम सब कुछ होते हुए भी हमें और चाहिए इस लालच में हमें जो नहीं करना चाहिए हम वो कर बैठते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं औरों के बारे में, और अंत में हमें वही लालच मौत के दरवाजे पर खड़ा कर देता है, और तब हमें अपनी गलती का एहसास होता है। मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। उसके बाद हम अपनी जिंदगी सुकून से बिताएंगे। बिल्कुल ऐसी है आज की दुनिया, इसीलिए बच्चों तुम सब हमारे देश की रीढ़ की हड्डी बनकर इस देश को और ऊंचाई पर ले जाना और अपने देश का नाम रोशन करना, यही मेरा सपना है। तुम करोगे ना? तो मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत माता। जिंदगी क्या है तुम अपने आप जान जाओगी स्नेहा। हम साथ जिएंगे ये मैं उससे कहूंगा तो क्या वो मेरे साथ आएगी? अच्छा ही हुआ मेरा साया भी उससे दूर हो गया, एटलीस्ट उसे तो सुकून से जीने दो। इस लालची दुनिया का मैं एक बदनुमा दाग हूं। नहीं नहीं, मैं उसके लायक नहीं रहा। वो खुश रहे, मैं यही चाहता हूं। मेरे यार कैसा है रे? अरे रफीक मैं तो ठीक हूँ, तू कैसा है यार? मैं भी ठीक हूँ यार। पुजारी सीना ये दोनों भी ठीक है ना? मैं ठीक हूँ यार।
तू कैसा है? मैं एकदम ठीक हूँ प्यारे। दोस्त, जिन लोगों ने हमारा यह हाल किया ना, उनमें से सभी चले गए, बस एक बचा हुआ है रे। हम लोगों ने उसे कैसे छोड़ दिया यार? उसे खलास करने के लिए फिर से हम सभी को फील्ड में उतरना पड़ेगा। प्लीज नहीं, हम सबको आपस में अलग किया था ना, आज तेरी बारी है। आज तुझे मौत से क्यों डर लग रहा है? तेरे तो ना ही कोई बाल बच्चे हैं और ना ही कोई माँ बाप। नहीं, तेरे साथ ही सब चले गए, अब तू जी कर क्या करेगा? तू भी मौत का मजा चख ले। अपने माँ बाप से पैदा हुए शरीफ बच्चों को यहाँ जीने नहीं दिया जाता तो तेरे जैसे कमीने को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। छोड़ दो, तेरे साथ ही सब इस दुनिया से जा चुके हैं तो तू जी के क्या करेगा? किसके लिए जिएगा तू? इसीलिए मौत का मजा चख ले। आखिरकार रसोई घर छोड़कर भट्ट बाहर आया ही नहीं और बेली भी नहीं मिला। मैं सब कुछ जान चुकी थी लेकिन बेली का क्या हुआ ये जानने के लिए मैंने सब कुछ लिख लिया। लेकिन क्लाइमैक्स, बेली जिंदा है कि नहीं, कहानी का अंत मुझे चाहिए। फिर मैं दिन रात सोचने लगी। यस, मिल गया। मुझे पता है आप मुझे सब कुछ बताएंगे। बेली की पूरी कहानी अगर कोई बता सकता है तो वो कोई और नहीं, वो सिर्फ आप बता सकते हैं। बेली इस दुनिया में है या मर गया ये कोई और नहीं जानता। सर, बेली का क्या हुआ? उसके क्लाइमेक्स का क्या हुआ? बेली की माँ को पता है कि बेली जिंदा है? बेली को उसकी लवर मिली कि नहीं? बेली की खोई हुई याददाश्त वापस आई कि नहीं? बेली की लवर यानी कि आपकी बहन को वो जिंदा है कि नहीं इसका पता चला? उसने क्या कहा और आपने उसे क्या जवाब दिया, बताइए सर। सर, मैडम का फंक्शन सीडी सर। बिल्ली, क्या ये ठीक हो गया? जो तुम्हारा सपना था वो तुमने कर दिखाया। कम से कम अब तो शादी के लिए हाँ कर दो। कोई लड़का देखूं क्या? बेली के जैसा होगा। आप ऐसे शॉक क्यों हो गए भैया? बेली के जैसे ही कोई लड़का मिलेगा ना मुझे। बेली, 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 बेली कब का मर चुका है? जो मर चुका है उसकी याद में बार बार अपने आप को क्यों सता रही हो? वो जिंदा है इसीलिए। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या है ये आपसे ज्यादा अच्छी तरह से मैं जानती हूँ भैया।
बेली जिंदा है भैया, ये मैं जानती हूँ, लेकिन वो कहाँ है ये बात सिर्फ आप जानते हैं। भैया मुझे सिर्फ एक बार उसे दिखा दो भैया, दिखा दो ना प्लीज भैया। दिखाऊंगा तो शादी करोगी क्या? लेकिन बेली से नहीं, किसी दूसरे लड़के से। Yes, he is alive, वो जिंदा है, लेकिन अब वो जिंदा नहीं रहेगा। मैं तुम्हें बेली से मिलाऊंगा। Just wait for 3 days. अगर तुम बेली को देखने के बाद किसी और से शादी करोगी तो ही वो जिंदा रहेगा। अगर जिद करोगी कि वही चाहिए तो वो मर जाएगा। फैसला कर लो, उसे जिंदा रखना है या फिर उसे मारना है। बेली को देखना है, देखना है, देखना है, एक ही जिद में अड़ी थी ना, जाओ जाकर देख लो। नेहा, उसकी जिंदगी और मौत तुम्हारे हाथ में है। ठीक है। बार देखना है वो इसी जिद में अड़ी हुई है। मेरी बहन अपनी दोस्त के खातिर तो आएगा ना। आज के इस बेली के रूप में नहीं, उस पागल बेली के रूप में। जब तुम उसके सामने आओगे तो पागल बेली बनकर आओगे, आओगे ना? Oh.
खातिर वो ठीक होने के बाद भी सच्चाई को जाहिर किए बिना उसने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। He's really great, sir. Really great. मेरे सारी सच्चाई जानने के बाद कहानी का क्लाइमेक्स मिल गया। इसके लिए समझ नहीं आ रहा कि मैं खुशियां मनाऊं या फिर बेली के ठीक होने की खबर उसके दोस्तों को बताऊं, या फिर बेली ठीक होने के बाद भी अपने प्यार की खुशियों की खातिर पागल बना घूम रहा है ये सोचकर अफसोस करूं। बेली की माँ को बेली मिला या नहीं, इन सारे सवालों के साथ मैं अपनी अगली किताब रिलीज करने की पूरी तैयारी कर चुकी हूँ। उसका नाम भी मैंने बेली ही रखा है। जिंदगी के सफर में हमें ऐसे कई लोग मिलते हैं जिन्होंने जिंदगी के ऐसे रूप देखे हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और उन्हीं में से एक है बेली।